नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्ट बंगाल एफसी के संपर्क में। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट की तरफ से खबर आ रहा है दो और बंगाली खिलाड़ियों को रिटेन करने का। तो दोस्तों, डिटेल्स में बात करूंगा इसको लेकर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को अपने वीडियो में बताया था कि ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने अगले सीजन का तैयारी शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोकल बंगाली खिलाड़ियों को टारगेट किया है और 8 से 9 खिलाड़ियों को तो प्री कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करा लिया है। तो मैंने आप सभी को ये अपडेट अपने वीडियो में पहले ही दे दिया है। और साथ ही दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट चाहती है जो अभी ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड में मौजूद थे जो प्लेयर्स, यंग इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था कम मैचेस में, तो उनको ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट रिटेन करेगी। और दोस्तों, कई सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को भी रिटेन करने का ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट सोच रही है। मैंने आप सभी को अपने वीडियो में बताया था कि जैसे कि अरिंदम भट्टाचार्य, हिनामते तो एटीके मोहनबगान एफसी में साइन कर चुके हैं, तो हिनामते भी रिटेन के लिस्ट में थे ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट के। तो हिनामते एटीके मोहनबगान एफसी में साइन कर चुके हैं, अरिंदम भट्टाचार्य रिटेन के लिस्ट में है, शंकर रॉय है, आदिल खान है, और आदिल खान तो लोन पर आए थे एफसी गोवा से, तो उनको वापस ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट रखना चाहती है। और दोस्तों, नवरम महेश सिंह भी केरला ब्लास्टर एफसी में चले जाएंगे क्योंकि लोन पर आए थे, तो उनको भी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट रिटेन करने के बारे में सोच रही है। और दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट चाहती है हीरा मंडल को भी रिटेन करना। तो बहुत सारे लोकल बंगाली खिलाड़ियों को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट और खासकर यंग इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को रिटेन करना चाहती थी। तो बहुत सारे प्लेयर्स का लिस्ट है दोस्तों जो ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट अपने टीम में वापस अगले सीजन के लिए रख देना चाहती है, और एकमात्र फॉरेन खिलाड़ी को रखेगी जिनका नाम है एंटोनियो पेरोसिविच, यानी कि एंटोनियो पेरोसिविच भी रिटेन किए जाएंगे ईस्ट बंगाल एफसी के टीम में। तो दोस्तों, अभी फिलहाल अपडेट आ रहा है कि दो और बंगाली खिलाड़ियों को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट जो है रिटेन करने वाली है। तो पहला खिलाड़ी का नाम है दोस्तों अंकित मुखर्जी। तो दोस्तों, अंकित मुखर्जी ने एटीके के लिए खेला है, एटीके मोहनबगान एफसी के लिए खेला है और ईस्ट बंगाल एफसी के लिए भी खेला है। तो दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट चाहती है अंकित मुखर्जी को एक और सीज़न रोकना अपने टीम में अगले सीज़न के लिए। तो अंकित मुखर्जी राइट बैक के पोजीशन पे खेलते हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। और दूसरे खिलाड़ी के बारे में अगर बात किया जाए तो दूसरा खिलाड़ी का नाम है शुभो घोष। तो दोस्तों, शुभो घोष को ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट रिटेन करना चाहती है। और एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, शुभो घोष केरला ब्लास्टर एफसी के प्लेयर है और लोन डील पर साइन किया था ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। तो 31 मई 2022 को शुभो घोष का कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट बंगाल एफसी के साथ ख़त्म हो जाएगा और वो वापस केरला ब्लास्टर एफसी चले जाएंगे। लेकिन ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट का मन है शुभो घोष को अपने टीम में रिटेन करना। लेकिन दोस्तों, आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, केरला ब्लास्टर एफसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दोस्तों, नवरम महेश सिंह भी केरला ब्लास्टर एफसी के प्लेयर है तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट उनको भी अपनी टीम में रिटेन करना चाहती है। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया, आदिल खान को भी रिटेन करना चाहती है, तो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और एफसी गोवा चले जाएंगे आदिल खान। तो उसी तरह शुभो घोष को भी ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट सुना जा रहा है कि रिटेन करना चाहती हैं, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अंकित मुखर्जी और शुभो घोष बंगाल के हैं और काफ़ी सारे बंगाली खिलाड़ी ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड में हम सभी को खेलते हुए दिखेंगे अगले सीज़न। तो बहुत ही अच्छा बात है, ईस्ट बंगाल एफसी मैनेजमेंट पिछले 2 सीज़न का गलती दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए काफ़ी सारे बंगाली खिलाड़ियों को, काफ़ी सारे यंग इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को अपने टीम में साइन करवाना चाहती है और साथ ही रिटेन भी करना चाहती है जो अभी ईस्ट बंगाल एफसी के लिए खेल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड डेली अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।